हेलो एवरीवन। तो फाइनली जेई मेन 2024 सेशन 2 के एडमिट कार्ड आ गया है। जिन भी बच्चों के एग्जामिनेशन 4 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख को होने वाला है, उन सभी के नोटिस आ गए हैं। और जिनके आने वाले फर्दर डेज में जैसे 8 तारीख, 9 तारीख के, उनके भी एडमिट कार्ड बहुत जल्द आ जाएगा। जैसे ही आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। लेकिन सभी बच्चों के सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म एक ही टाइप से फिल होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है, भैया सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को कैसे हम फिल करें। एडमिट कार्ड के जस्ट नीचे 4 पेज आपको दिखता है, चारों पेज का मैं इंपॉर्टेंस आपको बताऊंगा, फिर बताएंगे कि आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। और एग्जामिनेशन के लिए सेंटर पर जाने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या कुछ आपको लेकर के जाना है और कितने बजे तक आपको एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंच जाना है, सारी बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि अभी आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। V2 Academy हर पल आप सभी का साथ देती है। और इस बार आप सभी के टील एडमिशन, जब तक आपकी एडमिशन नहीं हो जाती, इवन काउंसलिंग में भी मैं आप सभी का सपोर्ट करने वाला हूँ। सो सभी लोग अभी भाई जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, ठीक है। नीचे बटन आपको दिख रहा होगा, अगर आप जुड़ जाते हैं तो आपका एडमिशन में भी हम लोग साथ देंगे, कंप्लीट सपोर्ट करेंगे, मतलब टील एडमिशन। जब आप एडमिट कार्ड को ओपन करेंगे तो आपको 4 पेज दिखेगा, जिसमें से एक पेज में आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट दिखेगा, ठीक है। जिसके 7th नंबर पॉइंट पे आप जाएंगे तो लिखा हुआ है कि आपके एडमिट कार्ड में 4 पेज होंगे, जिसमें पहला पेज में सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग होगा। एडमिट कार्ड के जस्ट नीचे सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग होगा। दूसरा पेज में आपके इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट होगा। तीसरा पेज में इंपॉर्टेंट एडवाइजरी होगा, जबकि 4th नंबर पेज में आपके सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फॉर नन आधार कैंडिडेट होगा। ये है आपके इंपॉर्टेंट एडवाइजरी। उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात निकलकर सामने आता है, आपके सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग को कैसे फिल करना है। भाई कुछ नहीं करना, यहाँ पे सिंपली अपना नाम डालना है, ठीक है। आप कहाँ पे रहते हैं, आपका रेसिडेंशियल क्या है वो डालना है, और आप अपना एक फोटो डाल लीजिएगा, यहाँ पे फोटो चिपका लीजिएगा, और वही फोटो को आप रखिए जो कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते टाइम डाला था, ठीक है। उसके बाद में लेफ्ट थंब इंप्रेशन, ठीक है, लेफ्ट वाला थंब इंप्रेशन डाल दीजिएगा। और उसके बाद में कैंडिडेट सिग्नेचर, बच्चे यहाँ पे साइन करेंगे अपना, ठीक है। यही बस रहेगा सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग में। जबकि जिसने भी अपना आधार वेरीफाई नहीं करा था एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते समय, वही बच्चे फिल करें। सभी बच्चों के लिए ये वाला नहीं है, ये वही बच्चों के लिए है जिन्होंने अपना आधार फिल नहीं करा था, मतलब आधार कार्ड से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल नहीं किया है। तो ऐसे बहुत कम बच्चे होंगे, मान के चलता हूं कि लगभग 12-13 लाख बच्चों में से 40-50 हजार बच्चों होंगे जिन्होंने अपना आधार कार्ड नहीं डाला है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं होगा, मैक्सिमम बच्चों का आधार कार्ड बना होगा, और जिनका बना होगा भाई उन्होंने तो अपना आधार कार्ड डाला ही डाला है। लेकिन जिन्होंने नहीं डाला है, बहुत सिंपल तरीका है, आप ऐसे करके अपना ये वाला फिल कर लीजिएगा। बहुत कम बच्चे हैं, अगर आप में से कोई बच्चे हैं तो मुझे बताएगा, मैं इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बहुत सिंपल तरीका है, आराम से फिल कर सकते हैं। बाकी दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिनके एग्जामिनेशन फर्स्ट शिफ्ट में है उनका एग्जामिनेशन 9 बजे से होगा, और जिनका सेकंड शिफ्ट में है उनके 3 बजे से एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। बट एग्जामिनेशन स्टार्ट होने के लगभग 2 घंटे पहले आप सेंटर पर पहुंच जाइए। मतलब जिनके एग्जामिनेशन फर्स्ट शिफ्ट में है उनको कम से कम 7 बजे तक सेंटर पर पहुंच जाना है, और जिनके सेकंड शिफ्ट में है उनको 1 बजे तक सेंटर पर पहुंच जाना है। क्योंकि भाई इतना भीड़ होता है ना सेंटर पे कि आपको 1 घंटे तो एंट्री लेने में ही लग जाएगा, लंबा लाइन लगता है। तो इस वजह से 1 घंटा एंट्री लेने में, और 1 घंटे पहले आपके जो गेट है वो क्लोज हो जाता है। तो मतलब 8 बजे से पहले आपको एंट्री ले लेना है, जबकि जिनके एग्जामिनेशन 3 बजे सेकंड शिफ्ट में होंगे उनको 1 बजे सेंटर पर पहुंचना है, और उनको 2 बजे तक एंट्री कम से कम हार्डली टू हार्डली ले ही लेना है, ठीक है। बाकी ज्यादा कुछ लेकर के नहीं जाना, अपना आधार कार्ड ले लीजिएगा, साथ में 2-3 फोटो रख लीजिएगा, क्योंकि एक फोटो आपके अटेंडेंस सीट पे भी लगेगा, ठीक है। बाकी ज्यादा कुछ नहीं लेकर के जाना, वाटर बोतल वगैरह जो रखना है वो रख लीजिएगा, और ज्यादा कुछ ज्वेलरी वगैरह अगर नहीं पहन के जाए तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि वो आपको एंट्री करने का मौका नहीं मिलेगा। और अगर आप एंट्री करने का मौका नहीं मिलेगा तो भाई कहां पे आप रख दोगे, किसको दे दोगे। अगर आपके साथ पेरेंट्स जा रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पेरेंट्स नहीं जा रहे, अकेले आप जा रहे, तो भाई किसको आप ज्वेलरी दे दोगे बाहर में, किसी को तो दे नहीं सकते ना, इसलिए आप घर से पहन के ही ना जाए, है ना। बाकी अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। हर समय V2 Academy आप सभी का साथ देती है, इवन टील एडमिशन, जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते, इवन काउंसलिंग सपोर्ट भी हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। सो अभी आप लोग सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।